आपको यकीन नहीं होगा, पानी की कमी के चलते महाराष्ट्र के लातूर जिले में टकराव को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई गई थी। इसके अंतर्गत पानी के स्रोतों के निकट लोग समूह में नहीं खड़े हो सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? थोड़े समय में वो जगह जहां हम मस्ती से खेला करते थे लड़ाई का मैदान बन जाएंगे, जहां शहर के लोग पानी के लिए लड़ाई करेंगे। हम इस तथ्य से कैसे इनकार कर सकते हैं? आने वाले समय में राज्य और देश आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। क्या हमारे पूर्वज जानते थे कि हमें पानी को खरीदना भी पड़ेगा? क्या उन्हें यकीन होता? लेकिन आज ये बात सच है। इसी तरह से पानी के लिए विश्व युद्ध की संभावना भी है। पानी की समस्या चक्रवात या भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना नहीं है। क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं? पेड़ों की जड़ें नदियां और धाराएं बनाने के लिए पानी को सहेजती है। अगर हम पेड़ों को काट दें तो बारिश का पानी कहां जाएगा? समुद्र में, जहां वो किसी काम का नहीं रहेगा। गोदावरी नदी का जल स्रोत सूख चुका है। 40% कृष्णा नदी उजाड़ हो चुकी है। गंगा नदी कितने समय तक बारामासी रह पाएगी पता नहीं। कावेरी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। वर्ष 1989 में 22 नदियां प्रदूषित थीं, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 302 हो चुकी है। इस सूची में झीलें और तालाब शामिल नहीं है। भारत की आजादी के समय प्रत्येक नागरिक के लिए 100 लीटर पानी उपलब्ध था, लेकिन आज ये घटकर 30 लीटर हो चुका है। पानी के संसाधनों के बिना 83 प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। क्या हम ये कह दें कि हमारे गरीब किसान का 84वां नंबर है? अभी तक 2 लाख। मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर खेती ना रहे तो? क्या बस यही बात है? हमें अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में सोचना होगा। जैसे किसी जमाने में हम टमाटर निर्यात करते थे, लेकिन आज हम चीन, नेपाल और नीदरलैंड से इसका आयात करते हैं। यही हाल गेहूं और आलू का है। तो कीमतें क्यों नहीं बढ़ेंगी? इसी तरह से पानी के कारण भी नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब आपको समझ में आया, पानी की समस्या किसी और की समस्या नहीं है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2040 तक 60 करोड़ बच्चों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में उद्योग को अभी के मुकाबले में 30 गुना अधिक पानी की जरूरत होगी। इसी तरह से कृषि और बिजली उत्पादन के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होगी। हमेशा की तरह अगर हम इन आंकड़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो पानी की समस्या हमारी जिंदगी को नरक बना देगी। साफ शब्दों में, आपको कैसा महसूस होगा अगर लोग आपको आपका गांव छोड़ने को कहें? लोग अपने गांव को छोड़कर अलग अलग देशों में बस रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से लोग प्रवास कर रहे हैं। गांव में पानी की कमी के चलते सबसे पहले किसान शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आपात स्तर पर शहर जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम कहां जाएं? क्या हमारे आंसू सूखी नदियों को भर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है और वह है वृक्षारोपण। बड़ी नदियों के दोनों किनारों पर 1 किलोमीटर और छोटी नदियों के किनारों पर 0.5 किलोमीटर दूर तक पेड़ लगाएं। ऐसा करने का अधिकार केवल सरकार के पास होता है। आइए साथ मिलकर इस समस्या के बारे में सभी को बताएं, ताकि सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए। हमारी नदियां, जो हमारी जीवन रेखा है, उनको जीर्णोद्धार के साथ आइए अपना भविष्य सुरक्षित करें। मत भूलें, हमारे पूर्वज किसान थे और गीली मिट्टी हमें कितनी पसंद थी। अगर हमने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो हमें अपनी मातृभूमि से रिफ्यूजियों की तरह जाना पड़ सकता है। हमारे आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। सोचने का समय चला गया। बिना सुरक्षित पीने के पानी के हर 21 सेकंड में एक बच्चा मर रहा है। क्या पानी बहुत तेजी से कम हो रही है? नहीं। This is a campaign to raise awareness that our